हेलो एस्पीरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज जो हम मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने गवर्नर्स ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ा था। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे एंड लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर क्या होता है कि रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, राइट? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो है गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं। देन रेगुलेटिंग एक्ट आता है यहाँ पे 1773 में, और उसके बाद इनकी पोस्ट चेंज हो जाती है, ये बन जाती हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बताया है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे लिस्ट है गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल की, यहाँ पे उनका टेन्योर है। ठीक है, तो ये सारे हैं, इन सबके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, किसके टाइम में जो है ड्यूल गवर्नमेंट एबॉलिश हुआ, किसके टाइम में नई कोई कोई मदरसा है वो बना, तो अलग अलग चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, कोई कॉलेज बना, कोई और सिस्टम आया, तो हर एक गवर्नर जनरल जो थे उनके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ ना कुछ काम हुआ है। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि हाँ, ये वाला काम कौन से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के टाइम में हुआ, तो आपको पता होना चाहिए, वो हमें पढ़ना है। बट उससे पहले हमें ट्रिक देखनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, विद ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि आप गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही देसी ट्रिक है जो मैंने खुद से बनाई और मुझे टिप्स पे याद है ये सारे, वाइस रॉयस तक मुझे टिप्स पे याद है अपनी इन्हीं लोकल ट्रिक्स के थ्रू। अब आप चाहें तो इन्हें फॉलो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप कहीं और से कोई और ट्रिक देख सकते हैं। ठीक है, सो ट्रिक क्या है? हज चले जाओ, वकार भाई मुस्लिम हो आप, बोलो जाओगे? हज चले जाओ, वकार भाई मुस्लिम हो आप, बोलो जाओगे? बस हो गए सारे यार, बाकी धीरे धीरे जैसे आप करते चलेंगे ना, ये आपको ऑटोमेटिकली टिप्स पे होते चलेंगे और टाइम पीरियड भी आपको धीरे धीरे हो जाएगा, अभी एक ही बारे में इनको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एच से वॉरेन हेस्टिंग्स, सी से कॉर्नवालिस, जे से जॉन शोर, डब्ल्यू से वेल्जली, बी से बार्लो, एम से मिंटोवन, एच से हेस्टिंग्स, ए से एमहर्स्ट, बी से विलियम बेंटिक। हज चले जाओ, वकार भाई मुस्लिम हो आप, बोलो जाओगे? सो सिंपल है ना। तो बस अब देखिए, ये सारे अगर एक ही वीडियो में पढ़ने हैं ना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें तोड़ के पढ़ेंगे। मतलब इस वीडियो के, इस टॉपिक का मैं दो पार्ट्स में वीडियोज़ अपलोड करूंगी। आज हमें सिर्फ वेल्जली तक पढ़ना है और नेक्स्ट वीडियो में बार्लो से लेकर बेंटिक तक पढ़ना है। ठीक है, तो आज का मेन फोकस रहेगा फर्स्ट फोर गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल पे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जो कि कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स, और लास्ट विलियम बेंटिक। उसके बाद क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं, बट वो बाद की बात है, फिलहाल हम इन चार पे फोकस करेंगे। तो अब आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं। ठीक है, बार बार मैं कहती हूँ, पेपर पेन उठाएं, नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपकी एंटायर प्रिपरेशन में। ठीक है, चलिए जो भी है, अब हमें पढ़ना है वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। ठीक है, टाइम पीरियड सबसे पहले पता होना चाहिए। तो 1772 में ये बने थे गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, और ये क्या बन गए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो भी पहले। ठीक है, सो 1772 में क्या था, बस वही कहानी है, जैसा जैसा लिखा है सेम एज इट इज अपने नोट्स में उतारते चलो। ठीक है, काफी बढ़िया नोट्स आपके बन जाएंगे, प्लस एक दो लाइनें हर एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बाद छोड़ देना, कहीं आपको लगता है कि कोई चीज मिस हो गई है वो आप ऐड कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कुछ मिस हुआ होगा, है ना। सो 1772 में गवर्नर ऑफ बंगाल बने वॉरेन हेस्टिंग्स, हेंस इन्हें हम कहते हैं लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये बन गए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखना अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना। नेक्स्ट आता है अबॉलिश्ड ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन 1772 विच वॉज स्टार्टेड बाय रॉबर्ट क्लाइव इन 1765। तो देखिए हुआ क्या था, हमने पढ़ा है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल पे ब्रिटिशर्स ने कैसे विजय हासिल की, उसमें हमने क्या पढ़ा, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, फिर हमने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, उसके बाद ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा, राइट? सो ये ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या था, कि कोई एक एरिया है उस पर दो लोग शासन करेंगे, जो ब्रिटिशर्स होंगे वो कर वसूल करेंगे, पुलिस के फंक्शंस, जुडिशियल फंक्शंस सारे ब्रिटिशर्स के पास होंगे, और जो बच गए नवाब उनके पास होगा एडमिनिस्ट्रेशन, पीस एंड ऑर्डर, शांति बनाए रखना पूरे दरबार में, और हर एक छोटे से छोटे चीज़ के लिए, पैसों के लिए, आर्मी के लिए, हर एक चीज़ के लिए जो नवाब था वो ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट हो गए थे। तो एक तरह से ब्रिटिशर्स की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, वो थी ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था 1765 में, लेकिन 1772 में इसे बंद किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपने याद रखना है। ठीक है,
आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंडिया एस्टेब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा। इंडिया का पहला सुप्रीम कोर्ट कैलकटा में इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद जो भी कहानी है वो हम अलग से है कि अभी देखिए हर एक कंट्री का अपना सुप्रीम कोर्ट होता है हेड कोर्ट, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट की सीट है न्यू दिल्ली में। आर्टिकल वाइज भी हम फिर कभी पढ़ेंगे जब पॉलिटी फिर से स्टार्ट करवाऊंगी मैं, और लक्ष्मीकांत के थ्रू हम इस बार पढ़ेंगे, ठीक है। लक्ष्मीकांत के थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करूंगी, उनके थ्रू आपको पढ़ाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे फोकस करें, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि इन्होंने और कुछ भी फाउंड किया था, क्या था, फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784, 1784 में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है उसको फाउंड किया था विद द हेल्प ऑफ विलियम जोन्स। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है विलियम जोन्स की हेल्प से, ठीक है। ही रोट इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीता विद चार्ल्स विल्किंस। जो गीता है, भगवत गीता है, उनकी जो पहली इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई थी उसकी इंट्रोडक्शन वॉरेन हेस्टिंग्स ने चार्ल्स विल्किंस के साथ में लिखी थी, ठीक है, हेल्प वगैरह की होगी। नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में आया था। ही रीडिफाइंड हिंदू एंड मुस्लिम लॉज, किसने, ही कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। बार बार याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स का, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, नेक्स्ट पेज पे भी और भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल एक बार फिर से ट्रिक की ओर जाएं, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर एंड वेल्सली, चार हमें पढ़ने हैं। हज चले जाओ वकार भाई, मुस्लिम हो आप, बोलो जाओगे, सो सिंपल ना। चलिए ठीक है, अब हमारी ट्रिक भी हो गई, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में काफी पॉइंट्स भी हमने पढ़ लिए, तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अभी देखिए हम वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है सोशल रिफॉर्म्स, इनके टाइम पे जो भी सोशल रिफॉर्म्स आए हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सो 1781 में क्या हुआ था, कलकत्ता में फॉर मुस्लिम एजुकेशन ओपन फर्स्ट मदरसा। ये मदरसा या मदरसा जो भी होता है ना, तो जहाँ पे मुस्लिम्स जो होते हैं इनको एजुकेशन दी जाती है, इनके अपने स्कूल्स होते हैं, है ना, वहाँ पे अपना इनको अपना ही सिस्टम है इनका एजुकेशन का। सो जो मदरसे होते हैं पहला जो था वो कलकत्ता में 1781 में मुसलमानों के लिए खोला गया, कुछ सोशल रिफॉर्म्स आए उसके अंडर। नेक्स्ट आता है बनारस में संस्कृत कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ जॉनथन डंकन। जॉनथन डंकन की हेल्प से संस्कृत कॉलेज बनारस में खोला गया। और क्या हुआ था हेस्टिंग्स के टाइम में, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782। आप टेंशन ना लें, हमारी वॉर्स रह गई हैं, वॉर्स भी मैं आपको करवाऊंगी। एंग्लो मैसूर वॉर्स हमने तो ये तो कर ली है हमने, मैसूर की वॉर्स जो है, बाकी मराठा वॉर है, सिख वॉर्स जो भी है वो सब भी मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। बट वो बहुत ही बोरिंग पार्ट है, तो उसको बीच में कभी करेंगे, ठीक है। जैसे अभी हम 1857 का रिवोल्ट कर लेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर लेंगे पूरा, फिर हम 1857 का रिवोल्ट कर लेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, उसके बाद फिर थोड़ा वॉर्स वगैरह बीच में लाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सॉरी एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 तक हुई, विच एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई इन 1782। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 1784 तक हुई, विच एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन 1784। फिर आता है एक्टिंग गवर्नर जनरल कौन रहे। अब हमने देखा होगा कि 1785 तक थे हेस्टिंग्स, तो 85 से 86 के बीच में क्या है, क्योंकि 86 में कौन वॉलिस आए, है ना, तो एक्टिंग गवर्नर जनरल रहे बीच में सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 86। एक्टिंग क्या होता है कि मतलब टेम्पररी बेस पे हैं, टेम्पररी बेस पे सारा काम करेंगे जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल करेगा जब तक कि न्यू परमानेंट वाले नहीं आ जाते, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्टेड अगेंस्ट हिम ऑन द चार्जेस ऑफ टेकिंग ब्राइब। ब्राइब आप समझते हैं, ब्राइब होता है रिश्वत, रिश्वत लेने के चक्कर में इन पे इम्पीचमेंट चार्जेस लगे, धोखाधड़ी के चार्जेस लगे थे, है ना, तो बस वो चार्जेस लगे थे, फिर इन पे केस चलता रहा, बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी, 7 सालों तक ट्रायल चला, देन लेटर ही वॉज एक्विटेड, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ओके। अब हम आगे चलते हैं, हमने किस तरह से याद किया, हज चले जाओ, चले सी फॉर कॉर्नवालिस, ठीक है। तो सी फॉर, एक तो आपने कॉर्नवालिस याद करना है, दूसरा करना है सिविल सर्विसेज इन इंडिया के फादर। सी फॉर कॉर्नवालिस, हज चले जाओ, च सी सी फॉर कॉर्नवालिस, सिविल सर्विसेज इन इंडिया के फादर, याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए इनका टाइम पीरियड, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1786 से 1793 तक था, ठीक है। नेक्स्ट है परमानेंट सेटलमेंट वॉज स्टार्टेड इन बंगाल, इनके द्वारा परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में स्टार्ट की गई थी, जिसे हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। मैंने आपको लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ाया था, उसमें जमींदारी, रियोतवाड़ी, महलवाड़ी सिस्टम तीनों पढ़ाए थे, किसने स्टार्ट किए, कौन से साल में स्टार्ट हुए, किस में क्या सेटलमेंट होती है, सब कुछ पढ़ाया है। नहीं आपने वीडियो देखी है तो अभी जाके वो वीडियो देखें, ठीक है।
नेक्स्ट आता है ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉज, लॉज को कोडिफाई करने वाले पहले पर्सन थे 1793 में, एंड दिस कोड सेपरेटेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. जो ये रेवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन था ये अलग किया, जो न्याय का प्रशासन था वो अलग किया. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, लेटर ही क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट इन्होंने क्रिएट की. ही इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, इंडिया में सिविल सर्विसेज के फादर माने जाते हैं. इनिशियली स्टार्टेड इन बंगाल, स्टार्टिंग में जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम था ना ये, सॉरी इंग्लैंड में, इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था, इंग्लैंड में ही होता था. लेकिन सोचने वाली बात है कि इंडिया के लिए सिविल सर्वेंट्स जो है खोजे जा रहे हैं, उसका टेस्ट हो रहा है और वो इंग्लैंड में जाके हो रहा है, तो बाद में ये इंडिया में होना भी स्टार्ट हुआ था. ये हम इंडियन सिविल सर्विसेज एक छोटा सा टॉपिक है, वो हम अलग से पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आता है फर्स्ट ICS, फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया, 1863 में कौन बने थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर. ठीक है, देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई? 1786 से 92. इट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम 1792. ठीक है, एंड अंडरटुक पुलिस रिफॉर्म्स, बहुत सारे पुलिस रिफॉर्म्स भी यहाँ पे आए हैं ना, तो इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बस आपको हल्का हल्का पता होना चाहिए. ठीक है, अब देखिए सोचने वाली बात है कि अगर आपको नहीं पता कि जैसे कि ये है परमानेंट सेटलमेंट कब आया है ना, आपको नहीं पता, तो आपको ये तो पता है कि 1793 में आया था, तो देखिए उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वैसे करके आप थोड़ा तुक्का मार के भी टिक कर सकते हैं अगर आपको ईयर्स याद है ना. बस इसी के साथ हमारा ये वाला पेज भी हुआ कंप्लीट. तो हमने ट्रिक क्या की, हज चले जाओ, हज हो गया, चले हो गया, जाओ से आता है जॉन शोर. तो अब हमें नेक्स्ट पेज में पढ़ना है जॉन शोर के बारे में. आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए ये जो पॉइंट्स है ना आपको स्पेक्ट्रम में भी सारे नहीं मिलेंगे, स्पेक्ट्रम में बहुत ज्यादा शॉर्ट में दिए हैं. मैं पुरानी एडिशन की बात करूँ, एक्चुअली मेरे पास 2-3 साल पुरानी बुक है, अभी तो एक एडिशन नया आ गया है ना, बट अगर आपके वो रेड वाली मरून वाली बुक है, ठीक है, वो वाला एडिशन है, तो उसमें भी आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी. तो बेटर होगा कि आप यहीं से नोट्स बनाएं, काफ़ी बढ़िया नोट्स आपके बन जाएंगे, और ये नोट्स हमेशा के लिए होते हैं जब तक कि एग्जाम क्लियर नहीं होता है ना. मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, 4-5 सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जिनके नोट्स आपको ज़रूर बनाने चाहिए. बाकी आपका एंशियंट मिडिवल हो गया, थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हैं, बट आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है, एंशियंट मिडिवल से भी उतने ही क्वेश्चन आते हैं जितने मॉडर्न से आते हैं. हम एक्चुअल में करते क्या है, मॉडर्न है भी ईजी, तो मॉडर्न पढ़ते हैं और हो गया, पर अब वैसा नहीं रहा है. ठीक है, तो चलिए जो भी है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने एग्जाम को जिस पे एग्जाम पे आप फोकस कर रहे हैं उस पे फोकस करके जो है आप बढ़िया से नोट्स बनाएं, अपनी प्रिपरेशन करें. ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ. नेक्स्ट आता है हज चले जाओ, जे से जॉन शोर, टाइम पीरियड है 1793 से 98 तक का. छोटे से पॉइंट्स आते हैं इसमें 2-3, वो हम पढ़ते हैं. फर्स्ट है प्लान्ड इंपॉर्टेंट रोल इन प्लानिंग द परमानेंट सेटलमेंट. देखिए परमानेंट सेटलमेंट को प्लान करने का जो मेन क्रेडिट है ना वो जॉन शोर को जाता है. ठीक है, ही इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट चार्टर एक्ट 1793 का पहला चार्टर जो है वो पास हुआ था सर जॉन शोर के टाइम में. उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, एंड ही इज फेमस फॉर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. कहीं पे कहां जो मर्जी हो इंडियन रूलर्स के बीच में कहीं इंटरफेयर नहीं करते, तो ये पॉलिसी इनकी बड़ी ज्यादा फेमस हुई थी. ठीक है, अब जॉन शोर के बारे में पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं हज चले जाओ वकार, WKAR ना, वकार से वेल्जली करके याद रखना है. ठीक है, लॉर्ड वेल्जली आ गए 1798 से 1805, 1805 तक, अब इनके बारे में पढ़ना है. सो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है. ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, जो बाकी के हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बच गए उनके बारे में. ठीक है, तो बस फिर से कहूँगी नोट्स बनाएं, नोट्स बनाएं, अपनी स्टडीज पे फोकस करें. नाउ लॉर्ड वेल्जली जो हैं ऑल्सो कॉल्ड एज लॉर्ड मॉर्निंगटन, लॉर्ड मॉर्निंगटन के नाम से भी जाने जाते हैं, स्टार्टेड सब्सिडरी अलायंस इन 1798. देखिए ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसने स्टार्ट किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में, और एंड कब हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया 1772 में. वैसे ही सब्सिडरी अलायंस 1798 में लॉर्ड वेल्जली ने स्टार्ट किया था. ए स्टैंड्स फॉर आर्मी. हु वॉज फर्स्ट टू एक्सेप्टेड, निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने 1798 में इसे एक्सेप्ट किया था. और लॉर्ड वेल्जली के टाइम में क्या हुआ था, एक मिनट, आई होप आपको सब्सिडरी अलायंस पता है क्या होते हैं. इस सब्सिडरी अलायंस के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई, ताकि बीच में जब वर्ड्स आते हैं तो आपको टेंशन ना हो कि क्या चीज़ आ गई, कोई नया फंड आ गया है ना. थोड़ा सा बता देती हूँ, सब्सिडरी अलायंस ए माने आर्मी. इसमें क्या होता है, ब्रिटिशर्स जो है एक
एग्रीमेंट होता है, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं इंडियन रूलर्स के साथ, उसके अंडर क्या होगा कि इंडियन रूलर्स को अपनी आर्मी को डिसॉल्व करना होगा और वो ब्रिटिशर्स की आर्मी को अपने जो दरबार है वहां पे रखेंगे। अब देखिए इससे फर्क क्या पड़ा, जो लोकल आर्मी थी, जो इंडियन रूलर्स की आर्मी थी, उसमें जो भी सैनिक थे वो सारे बेरोजगार हो गए, गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, लोगों के पास पैसा नहीं रहा, लोगों में एक तरह से कहते ना कि गुस्सा पनपने लगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी रखी तो अब क्या होगा, ब्रिटिशर्स ने आर्मी रखी तो जो इंडियन रूलर्स हैं उनको उस आर्मी का खर्चा, उनका रहना, उनका खाना, उनका पीना, उनके औजार, उनके वेपन्स, हर एक चीज़ का खर्चा देना होगा। अगर वो खर्चा नहीं देते हैं तो अपनी जो ज़मीन है, अपनी जो टेरिटरी है, उसका थोड़ा सा पार्ट उनको देना पड़ेगा, किसको, ब्रिटिशर्स को। अब सोचने वाली बात है कि इंडियन रूलर्स क्यों रखेंगे ब्रिटिशर्स की आर्मी, जब उनके पास अपनी बढ़िया आर्मी है, लोगों के पास जॉब है, पैसा है, तो वो बाहर से ब्रिटिशर्स की आर्मी क्यों लाएंगे। इसका भी बहुत बड़ा फंडा है कि ब्रिटिशर्स वादा करते हैं कि अगर आप हमारी आर्मी अपने पास रखते हो, अगर हमारी आर्मी आपको सर्व करती है, तो पहली चीज़ तो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे आपके मैटर्स में, और दूसरा कि कोई भी अगर बाहर से अटैक करता है तो हमारी आर्मी जो आपके पास है वो तो आपके लिए लड़ेगी ही लड़ेगी, लेकिन हम भी अपनी आर्मी देंगे आपसे लड़ने के लिए। इससे क्या होगा, इंडियन रूलर्स को प्रोटेक्शन फील हुई, कह रहे ब्रिटिशर्स हमारा साथ देंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। ब्रिटिशर्स तो वैसे सुपीरियर थे, नेवल सुपीरियरिटी थी, हर चीज में सुपीरियर थे, वीपन्स में, औजारों में, हर चीज में सुपीरियर थे, तो इनको लगा कि नहीं, इनका रखना चाहिए हमें आर्मी सिस्टम अपने पास, लेकिन इंटरफेयर नहीं करेंगे अपने इंटरनल मैटर्स में, ये सिर्फ बोलने की बातें थी। एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो है हर टाइम दरबार में होता था, जो कि ये देखता था कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई अलायंस तो नहीं बना रही। यस, वन मोर थिंग, कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं, आप किसी के साथ संधि नहीं कर सकते हैं, कोई जो है प्लानिंग नहीं कर सकते ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि हर टाइम ब्रिटिश रेजिडेंट आपके दरबार में होगा। अब अगर कोई भी मैटर डिस्कस हो रहा है वहां पे ब्रिटिश रेजिडेंट है, तो ऑब्वियसली वो अपनी एडवाइस भी देगा, और कोई ब्रिटिशर अपनी एडवाइस देगा ब्रिटिशर्स के हित में ही देगा, है ना। तो ये बहुत बड़ा फंडा था, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके जो कि मैंने सब्सिडियरी अलायंस में समझाए हुए हैं, यहाँ थोड़ा मैं डेप्थ में चली गई बहुत ज़्यादा समझाने के लिए, तो आप वो वाली वीडियो देखें, वहाँ बढ़िया एक पेज पे मैंने बढ़िया नोट्स बनाए हैं, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, और लॉर्ड वेलजली के टाइम में क्या क्या हुआ था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 लॉर्ड वेलजली के टाइम में हुई थी। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में लॉर्ड वेलजली के टाइम पीरियड में हुई थी। 1800 में फोर्ट विलियम्स कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता। कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज 1800 में लॉर्ड वेलजली के टाइम पीरियड में बनाया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी वॉज फॉर्म ड्यूरिंग हिज टेन्योर। इनके टाइम पीरियड में मद्रास प्रेसिडेंसी भी बनी थी। ही कॉल्ड हिमसेल्फ लाइन ऑफ बंगाल। बंगाल का लॉइन इन्हें कहा जाता था, इन्हें बंगाल लाइन के नाम से भी जाना जाता था, है ना। तो बस इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे, आपने बस ध्यान रखना है, प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, मेहनत करनी है, बाकी फल तो फिर ऊपर वाला खुद देगा, नहीं। चलिए तो बस इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट, ठीक है। पहले चार हज चले जाओ वकार तक हमने पढ़ा, बाकी पूरी ट्रिक क्या है, हज चले जाओ वकार भाई मुस्लिम हो आप बोलो जाओगे, ठीक है। तो बस इसी के साथ आज के लिए अब यहीं पे लेते हैं पूर्ण विराम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।